हेलो, गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं सुबह सुबह तैयार होकर के चल पड़ी हूँ अपने काम पर। और आज मैं थोड़ा सा हट के काम कर रही हूँ, कुछ पिछले 7-8 सालों से ही काम कर रही हूँ, तो आपको लग रहा होगा ये कौन से काम की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पिछले 7-8 सालों से मशरूम कल्टिवेशन का काम कर रही हूँ, तो आज भी मैं उसी के लिए जा रही हूँ। हमारी रुड़की से हमारी खाद आनी थी, तो हमारी खाद आ चुकी है ट्रक में और वो किसानों को बांटी जा रही है, मेरी जो संस्था है गढ़माटी संगठन उसके माध्यम से। तो मैं अभी जा रही हूँ ट्रक के पास, वो वहाँ पे खाद अनलोड हो रहा है, तो अभी मैं चलती हूँ सीधे ड्राइवर के पास जो मेरा वेट कर रहा है। फिर हमने जाना है चंद्रापुरी और भीरी, तो चलो चलते हैं फिर। तो दोस्तों ये है वो ट्रक जिसमें हमारी खाद आई हुई है, इसमें से कुछ खाद खाकरा में उतर गई है और कुछ अगस्त मुनि में, काफ़ी लगभग 300-400 बैग्स यहाँ पे उतर चुके हैं। और जो अब बची हुई खाद है वो जाएगी चंद्रापुरी, गबनी गांव और भी। सुबह के 4 बजे से इस ट्रक में अनलोडिंग का काम हो रहा है, तो दो जगह खाद उतारने के बाद अब मैं भी इस ट्रक के साथ चलूँगी और बाकी दो जगह खाद अनलोड करवाने का काम करवाऊंगी। दोस्तों ये पूरा पैक होकर के मैं बैठ चुकी हूँ ट्रक में और ये है हमारे ड्राइवर भाई। अभी हम निकल रहे हैं चंद्रापुरी के लिए और चंद्रापुरी में जाकर के हम अपने फार्मर्स को खाद देंगे और वहाँ पे कुछ बैग्स वहाँ पे निकलेंगे एंड देन फिर जाएंगे हम भीरी। दोस्तों मैंने आज ये अलग सा, आपको लग रहा होगा ये टोपी सा पहना हुआ है, इसको बोलते हैं पहाड़ी स्कार्फ, तो सर्दियों से बचने के लिए थोड़ा अच्छे डिजाइन में बना रखा है, इसलिए मैं अच्छा लग रहा है और ठंड भी बच रही है इसमें। तो हम पहुँच चुके हैं सौड़ी मार्केट और ये है हमारे साथ ड्राइवर भाई, कल शाम से गाड़ी चला रहे हैं। सुबह सुबह का समय है तो अभी तक दुकानें भी नहीं खुली हैं और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं खुद पूरी पैक होकर के आई हूँ। और अब हम ये पहुंचने वाले हैं चंद्रापुरी के गबनी गांव में और ये है गबनी गांव जाने की रोड। दोस्तों आप में से कुछ लोग आए होंगे यहाँ और कुछ नहीं आए होंगे, तो मैं बता देना चाहूँगी ये गबनी गांव, बुटोल गांव और आगे ये परकंडी, इधर जली गांव के लिए, कंडारा गांव के लिए मिलती है ये रोड। तो ये हमारे ड्राइवर भाई साहब जो पिछले 25-26 सालों से गाड़ी चला रहे हैं और अभी हमने गाड़ी बैक करनी है, तो गाड़ी बैक करने के लिए हमें 25 फीट जगह चाहिए, तो हम ढूंढ रहे हैं कहीं पे गाड़ी बैक करने के लिए 25 फीट जगह। तो दोस्तों फाइनली हमें यहाँ पे एक जगह मिल गई है जहाँ पे हम ट्रक को आसानी से बैक कर सकते हैं। ये हमारे ड्राइवर भाई साहब जगह देख रहे हैं और बैक कर रहे हैं ट्रक को। यहाँ पीछे पे वाटरफॉल भी है, तो काफ़ी खुली खुली जगह है जहाँ पे ट्रक को आसानी से बैक किया जा सकता है। और ये गाड़ी बैक हो चुकी है और मुझे पता भी नहीं चला कि इन्होंने कितनी जल्दी ये ट्रक बैक कर लिया है, बहुत ही आसानी से इन्होंने कर लिया है। अगर इनकी जगह पे मैं होती तो मैं छोटी गाड़ी को बैक करने में ही 50 बार उसमें रिवर्स गियर डालती हूँ। तो आज मुझे भी इनसे सीखने को मिल रहा है कि कैसे गाड़ी को बैक किया जा सकता है आसानी से, इतनी बड़ी गाड़ी का कैसे जायजा लिया जा सकता है। तो अब हम चल पड़े हैं वापस जहाँ पर हमने खाद उतारनी है।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ट्रक साइड में लगा करके खाद अनलोडिंग का काम चल रहा है। तो अभी फिलहाल एक ही हमारे किसान भाई आए हैं जो अभी खाद अनलोड कर रहे हैं और बाकी के आने का वेट भी हो रहा है साथ साथ। यहाँ ऊपर से मैं आपको गबनी गांव का व्यू दिखाती हूँ। पूरा गांव तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर से, लेकिन कुछ खेत और थोड़ा बहुत मकाने दिख रहे हैं। तो यही है गबनी गांव, ये ऊपर वाली रोड से मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं गबनी गांव। यहाँ पर ट्रक से मशरूम की खाद अनलोड हो रही है। 4-5 लोग लगे हुए हैं काम करने पे। पहले ये चरपाल में रखेंगे और फिर यहाँ से अनलोड करके ले जाएंगे बैग्स को। तो ये रही हमारी मशरूम यूनिट। ये पीछे जो आप ये टिन का सटर देख रहे हो, ये वाला हमारी मशरूम यूनिट है। तो यहाँ पर लगने जा रही है मशरूम। महीने में, एक महीने का टाइम लगेगा ये मशरूम होने में कम से कम, और एक महीने बाद हम आपको मशरूम की फसल दिखाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मशरूम लगाते कैसे हैं इसकी विधि भी मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और इस तरह मैं पूरे वीडियो में नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि आप समझ भी नहीं पाओगे। तो इतना एक्सप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसके लिए अलग से हम ट्रेनिंग कैंप भी करवाते हैं और जो कि मोस्ट ऑफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं। हाँ गिनती भी करो। और ये है हमारा बटन मशरूम का बीज, जो इस बार जो हम खाद लगा रहे हैं वो है बटन मशरूम। तो इसमें बीज है, इसको खोल करके देखेंगे हम। चाबी आपके पास? भाई साहब चाबी देना, इसको खोलने जरा। तो इसको खोल करके दिखाते हैं हम आपको मशरूम का बीज होता कैसा है। इस बार जो हमने मशरूम की खाद और मशरूम का बीज लिया है वो लिया है रुड़की से, वैकिन फूड्स से, जिसके ओनर हैं मिस्टर नवीन पटवाल जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया और बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद और बीज दिया है। ये मुझे देखने से ही लग रहा है कि अच्छी क्वालिटी का होगा। इन्होंने जो बीज की पैकिंग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है। तो जब आप अच्छा काम करते हो तो हर कोई आपकी तारीफ करता है। इसमें से ना 15 किलो निकालना, 15 पैकेट निकालना। तो ये है हमारी मशरूम यूनिट जहाँ पर मशरूम उत्पादन का काम शुरू होगा। हमारी संस्था का नाम है गढ़माटी संगठन और ये है अंदर मशरूम यूनिट जहाँ पर हमारे बैग्स आ रहे हैं और यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये लगभग 1000 स्क्वायर फीट की मशरूम यूनिट है। तो यहाँ पर हम मशरूम उत्पादन का काम करेंगे। अंदर बहुत अंधेरा सा है। ये मशरूम यूनिट हमने ही इन किसानों को दी है, यहाँ पे महिला समूह को, जो मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर गबनी गांव का क्षेत्र है और यहाँ पर हमारी एक महिला कृषक हैं श्रीमती राजेश्वरी देवी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे किचन गार्डनिंग की हुई है। आप देख सकते हो उधर उन्होंने प्याज लगाई हुई है, राई, मूली, पालक, बहुत सारे अदरक भी वहाँ पे लगा रखी है। कुछ यहाँ पे फलों के पेड़ भी हैं, आम, अमरूद, माल्टा, नींबू, इनका घर है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे किचन गार्डनिंग का काम किया हुआ है। यह है हमारे प्रगतिशील कृषक श्री पद्मेंद्र सिंह गुसाई जी,
जो यहाँ अगस्तूने में मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे मशरूम उत्पादन के लिए पूरा कमरा तैयार कर लिया है, यहाँ पे रैक वैक सब बना करके फिट फोर कर दिया है। और अब ये बीज की बुआई करेंगे अपनी खाद में और यहाँ पे फसल लगाएंगे। तो कितने सालों से कर रहे हैं आप काम? 6 साल। 6 साल हो गए ना। कैसा अनुभव रहा आपका? ठीक है, बढ़िया है। हाँ, तो कितना लगभग आपने पहले साल में कितना प्रॉफिट हुआ आपका? तो पहले मैंने 200 बैग से शुरू किया था। हाँ। 100 बैग से 300 बैग पे कर रहा। अच्छा, तो 3 गुना इन्होंने अपना प्रोडक्शन पहले बढ़ा दिया है। तो लगभग पहले आपने 200 बैग से कितना पैसा कमा दिए थे लगभग? 200 बैग से लगभग कमा दिया था मैंने 70-75 हज़ार। अच्छा, लगाया कितना था 200 बैग में? 200 बैग में 20,000। 20,000 रुपये लगा करके इन्होंने 70,000 रुपये कमाए हैं। हमारे ये कृषक हैं तो ये बहुत मेहनती किसान हैं। यहाँ पर ये पॉली हाउस में खेती भी करते हो आप, चक्की भी चलाते हो और क्या क्या करते हो? दुकानदारी भी करते हैं और बहुत मेहनत है, बहुत ही ज्यादा मेहनत का कृषक है यहाँ पर। 60,000 रुपए का हल लगा दिया आपने? अच्छा, पूरे गांव का लगाए? अरे वाह। और ट्रैक्टर, पावर टीलर? अच्छा, तो इन्होंने अपना पावर टीलर और पावर वीडर ले रखा है, तो जिसे गांव के पूरे लोगों का खेत जोतते हैं और उससे कमाई भी करते हैं। तो इन्होंने 60-70 हज़ार उसमें कमा दिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही जो मेहनत कश लोग होते हैं वही हमारे पहाड़ों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो मैं दिखाती हूँ, इन्होंने यहाँ पे मशरूम के इनके बैग ये रखे हुए हैं। अब इनकी बुआई होगी और वापस ये रैक में रखे जाएंगे। एक कमरे में नहीं आ पाएंगे, 2 कमरे रखने पड़ेंगे। तो दूसरा कमरा भी वहाँ नीचे रेडी है। तो ये अब मैं आपको सीधे लेकर के चल रही हूँ भीरी, जहाँ पर ट्रक से मशरूम की खाद अनलोड हो चुकी है और यहाँ पर मशरूम की खाद ऊपर सीधे ढोई जा रही है। तो ये रोड से ऊपर लगभग 300-400 मीटर की खड़ी चढ़ाई है जहाँ पर मशरूम का उत्पादन हो रहा है और ये सारे बैग्स अभी ऊपर जाएंगे। ये लास्ट की जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो दूसरे दिन की है, जब मशरूम के सारे बैग्स ऊपर पहुंच चुके थे और मशरूम में इनमें बुआई हो करके ये लाइन वाइज लग चुके हैं सही तरीके से, जिन तरीके से इनको लगना चाहिए। तो ये हमारी मशरूम की यूनिट है और भीरी में है ये मशरूम की यूनिट। तो यहाँ पर लगभग काम पूरा हो चुका है। वैसे ये वाली यूनिट हमारे पूरे मशरूम प्रोजेक्ट की मशरूम डेमोंस्ट्रेशन यूनिट है, जहाँ पर मैं मशरूम की ट्रेनिंग्स भी दिया करती हूँ और लोग यहाँ पर देखने के लिए, विजिट करने के लिए भी आते रहते हैं। और अब मैं आपको सीधे लेके चलती हूँ खांकरा मशरूम यूनिट में, जहाँ पर हमारे प्रगतिशील कृषक श्री आशीष बहुगुणा जी अपनी वाइफ के साथ मिल करके यहाँ पर बटन मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। और इनके द्वारा अभी शुरुआत में 100 मशरूम के बैग्स लगाए गए हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी अच्छी फसल होगी। और ये बहुत, दोनों के दोनों बहुत ही मेहनती लोग हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं आपको बता देना चाहूँगी, ये दिल्ली से नौकरी छोड़ करके यहाँ पहाड़ों में आए हैं और यहीं पर अपनी आर्थिकी का जरिया ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे ये आज का ब्लॉग पूरा ही मशरूम की खेती पर आधारित था, हमारी कैसे मशरूम की खाद हम लाते हैं और कैसे हमने किसानों को बांटते हैं, कैसे वो अपने अपनी अपनी मशरूम प्लांट में लगाते हैं। तो पूरा ही ब्लॉग इस पर आधारित था और इसमें हमने कुछ हमारे जो मुख्य कुछ किसान हैं जो मशरूम का काम अच्छे से ढंग से कर रहे हैं उनका भी वीडियोस मैंने आपके साथ साझा किया। और आगे आने वाले टाइम में जो इसमें और अच्छे तरीके से सफल होंगे उनका भी मैं वीडियो आपके साथ साझा करूंगी। जब हमारी मशरूम की फसल भी आ जाएगी उसका भी ब्लॉग मैं आपके साथ सेपरेटली शेयर करूंगी। और तो कैसा लगा आपको अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे ब्लॉग्स देखने के, वो जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने जानने वालों के साथ भी हमारा चैनल जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी का धन्यवाद।